आज हम आपको हिंदी सिनेमा के उस नायाब हीरे की जानकारी देने जा रहे हैं जिनको आप अंकल जॉन के नाम से शायद आज भी याद करते होंगे। वहीं कुछ लोग उनको भूल भी गए होंगे। उनके फिल्मों में आने की कहानी से लेकर उनकी मौत की वजह आपको बताते हैं। आपने एक गीत जरूर सुना होगा, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। हिंदी सिनेमा का यह गीत जिस महान अदाकार पर फिल्माया गया था वो अंकल जॉन ही थे। वैसे उनका असली नाम डेविड अब्राहम चावल का था। महाराष्ट्र के ठाणे में 21 जून 1909 को पैदा हुए डेविड धर्म से यहूदी थे। उनका परिवार बहुत अमीर था। पिता रेलवे में इंजीनियर हुआ करते थे। वह चाहते थे कि डेविड बड़ा होकर नामी वकील बने, मगर बेटे का मन वकालत में नहीं कसरत और खेलों में लगा करता था। इसी वजह से पढ़ाई के साथ साथ डेविड वेटलिफ्टिंग भी करने लगे थे। उन्होंने वेटलिफ्टिंग में कई प्रतियोगिताएं भी जीती थीं। पिता बचपन में ही गुजर गए थे। भाई शेरों के साथ ही बड़े हुए और पिता का सपना पूरा करने के लिए खेलों के साथ साथ वकालत की पढ़ाई भी करने लगे। कानून की डिग्री मिली तो कोर्ट में बैठने लगे, मगर कई महीनों बाद भी उनको एक केस तक नहीं मिला। खेलों से भी शोहरत तो खूब मिली, लेकिन उतना पैसा नहीं मिलता कि वो खेलों में ही करियर बना पाते। जब डेविड कॉलेज में थे तब इंडियन पीपल्स थिएटर से जुड़े थे। वो अभिनय किया करते थे। उनका एक दोस्त था नामपल्ली, जो हिंदी सिनेमा में छोटे मोटे रोल करता था। उसी ने डेविड को भी फिल्मों में आने की सलाह दी। नामपल्ली ने ही उनको मोहन भवनानी से मिलवाया और साल 1937 में जंबो नाम की फिल्म में डेविड को छोटा सा रोल मिल गया। इसमें 28 साल के डेविड को बूढ़े प्रोफेसर का रोल करना था। हालांकि यह इमेज उनसे ऐसी चिपक गई कि याद नहीं आता कि डेविड ने कभी युवा किरदार भी निभाया हो। इसके बाद एक दो फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने के बाद उनको 1940 में फिल्म नया संसार में अहम किरदार मिला। इस फिल्म से हिंदी सिनेमा में उनको लोग पहचानने लग गए। 1944 में एक फिल्म आई जिसमें डेविड ने अपने अभिनय का दूसरा ही रूप दिखाया। फिल्म थी द्रौपदी और डेविड इसमें शकुनी के किरदार में थे। डेविड ने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिल्मों को ही अपना करियर बना लिया। 1954 में एक फिल्म ने उनकी किस्मत पलट कर रख दी। वह फिल्म थी बूट पॉलिश और इसमें डेविड ने अंकल जॉन यानी जॉन चाचा का किरदार निभाकर घर घर पहचान बना ली। इस फिल्म का गीत नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है तो आज तक रेडियो पर बजा करता है। इसी फिल्म के लिए डेविड को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। इस फिल्म के बाद तो लोग उनको अंकल जॉन कहकर ही बुलाने लगे थे। हिंदी फिल्मों का माहौल जब बोझिल हो जाता है तभी अचानक छोटे से कद के गंजे डेविड की एंट्री हुआ करती थी। हंसमुख पिता या अंकल के किरदार ही उनको मिला करते थे। उनके आने से ही माहौल बदल जाया करता था। बूट पॉलिश के बाद उनका करियर इतना अच्छा चल रहा था कि एक समय में वो 4 से 5 फिल्में कर रहे होते थे। जैमिनी और एवीएम स्टूडियोज की फिल्मों में तो जैसे उनकी जगह पहले ही तय हो जाती थी। उनकी कुछ यादगार फिल्मों में हाथी मेरे साथी, बातों बातों में अभिमान, कालीचरण, गोलमाल, खट्टा मीठा, सत्यकाम और खूबसूरत हैं। वैसे कम ही लोगों को पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू भी डेविड के मुरीद हुआ करते थे। अभिनेता उस दौर के नामी गिरामी स्टेज एंकर हुआ करते थे। उनको सरकारी समारोहों में भी एंकरिंग के लिए बुलाया जाता था। खुद नेहरू कहते थे कि डेविड के बिना समारोह अधूरा सा लगता है। डेविड की मौत कैसे हुई यह भी जान लीजिए। डेविड अविवाहित थे, उन्होंने कभी शादी नहीं की, मगर वो अपने परिवार और खानदान से हमेशा जुड़े रहे। उनका ज्यादातर परिवार इसराइल में बस गया था। इसके बाद डेविड ने भी अपने भतीजे और भांजी के पास कनाडा जाने का फैसला कर लिया। कनाडा में भी अभिनेता ने लव इन कनाडा नाम की फिल्म बनाई। वो वहां स्टेज शो भी करते थे। डेविड बहुत कुछ करना चाहते थे, मगर अचानक एक दिन सब खत्म हो गया। 27 दिसंबर 1981 को टोरंटो में डेविड नाश्ता करने के बाद कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। अचानक उनके सीने में तेज दर्द होने लगा। दर्द की वजह से वो सांस तक नहीं ले पा रहे थे। घर वालों को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक उनको क्या हो गया। दर्द से तड़पते डेविड को फौरन अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने चेक किया तो पता लगा कि अभिनेता को बहुत बड़ा दिल का दौरा पड़ा है।
फौरन ही उनको ऑक्सीजन दी गई और इलाज शुरू किया गया, मगर उनकी हालत सुधर नहीं रही थी। 5 दिन तक अस्पताल में उनकी जिंदगी बचाने की कोशिश की गई, मगर 2 जनवरी 1982 के दिन उनको दिल के दौरे पड़ गए और डेविड की दुखद मौत हो गई। दोस्तों, आपको अभिनेता डेविड की कौन सी फिल्म या किरदार याद है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।